एक और पॉइंट एडमिशन ऑफ पार्टनर सर एडमिशन ऑफ पार्टनर सर एडमिशन ऑफ पार्टनर ये तो बारहवीं क्लास में था अब यहां पे एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्या है रोल हुआ ये <laughs> एक व्यक्ति और एक फॉर्म है ध्यान से समझिएगा एक व्यक्ति और एक यहां पे पहले से दो व्यक्ति है ए और बी और एक सी पार्टनर इसमें ज्वाइन होना चाहता है तो आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई पार्टनर आता है तो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा अब कैपिटल में यह कभी भी नहीं कहा गया कि मॉनेटरी होना चाहिए वेदर मॉनेटरी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है अब ए और बी ने डिमांड करा कि भैया सी तू अपने घर से जा कैपिटल लेके आया सी ने बोला हमारे पास तो कुछ नहीं है लेकिन हां हमारे पूर्वज हमारे पेरेंट्स ने गोल्ड रखा हुआ है या और इसका काम जो है ना पार्टनर वो ज्वेलरी का है ठीक है ना ज्वेलरी का काम है तो कहता है कि हमारे पास जो है वो गोल्ड रखा हुआ है तो मैं गोल्ड लेके आ सकता हूं कितना आपका बनता है पेमेंट तो उसने बोला कि सर जो पेमेंट है ना आपको कैपिटल लेके आना है वो लेके आना है बीस लाख रुपए आप कैश लिया हो? तो कैपिटल गेन का कोई मतलब ही नहीं बनता अब बोला इसने मेरे पास क्या है गोल्ड है इसके पास जो गोल्ड था यह गोल्ड इसने खरीदा था एक चार 2021 में इसके पेरेंट्स ने खरीदा था कितने का खरीदा था सर दो लाख का या इस टाइम तो सस्ता था काफी 2021 गलत लिख दिया 2001 करना है मुझे सर खरीदा था बीस हजार का और आज बीस लाख रुपए उसका प्राइस है अब इसने पार्टनरशिप फर्म में एडमिट लिया एडमिशन ले लिया पार्टनरशिप फर्म में एक चार दो हजार इक्कीस तो इसका मतलब इसने अपने एसिड्स को एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया कहां पे में कर दिया एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट इसका कैपिटल कितना मिल रहा है इसको बीस लाख इसका कैपिटल क्या था अब जब फर्म बैलेंस शीट बनाएगा अब जब फर्म बैलेंस शीट बनाएगा तो बैलेंस शीट के अंदर ए भी होगा बी भी होगा और और सी का कैपिटल कितना होगा लेकिन इसका फेयर मार्केट वैल्यू एक चार को वैल्यू ये था जिस दिन इसने गोल्ड दिया इसके हिसाब से था वो इसके हिसाब से लेकिन एक्चुअल एफ अब सर गोल्ड दिया है तो कैपिटल थोड़ी होगा इधर इधर एसेट्स भी आएगा ना गोल्ड में एसेट्स में भी तो आएगा जब कभी भी कैपिटल लेके आते हैं डबल एंट्री याद करो कैश देते हैं तो हमारा कैपिटल में भी आता है और साथ के साथ कैश में भी जो आ जाता है तो गोल्ड दिया तो यहां भी आएगा इसने इस गोल्ड को यहां पे रिकॉर्ड किया फर्म ने पार्टनरशिप फर्म ने 25 लाख का कैपिटल कितने का 20 लाख रिकॉर्ड कितने का हुआ कंफ्यूजन यहीं है बताइए सेल कंसीडरेशन क्या लिया जाएगा सेल कंसीडरेशन क्या लिया जाएगा बीस लाख ,00 या पच्चीस लाख लाख बीस या पच्चीस बीस या पच्चीस तो यहां पे लॉ कहता है सर आपने कैपिटल कितना भी कंट्रीब्यूट किया हो उससे हमें लेना देना नहीं है जो भी बैलेंस शीट के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू वो रिकॉर्ड करेगा एसेट्स का वो सेल कंसिडरेशन होगा दैट इज इन केसेस को स्पेशल केसेस मैं इसलिए बोल देता हूं क्योंकि यहां पे कभी सेल लेने में कंफ्यूजन हो जाता है क्या लेना है और कई बार कॉस्ट लेने में कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा इंडेक्सेशन लेना है तो यहां पे क्या लिया जाएगा आपका पच्चीस लाख लिया जाएगा और माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन क्या होगा सर सर वही होगा बीस हजार और मल्टीप्लाई बाय किस दिन वो इसके अंदर कैपिटल लेके आया 2021 में तो डिवाइडेड बाय सौ इंटू मे तीन सो सत्रह सर तिरसठ हजार चार सौ बैलेंस विल बी सीजी कैपिटल गेन और इस कैपिटल गेन पे जो भी बनता है हमारा चौबीस लाख छत्तीस छह सौ टैक्स दे देगा समझ में आए तो अगर एडमिशन का केस हुआ तो इस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट करना है कि जो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू रिकॉर्ड किया गया है उस बैलेंस शीट के वैल्यू को हमें सेल कंसिडर कंसिडर करना है ना कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे है। ठीक है ना एक और केस देखें डिजोल्यूशन भी कर ही लेते हैं आप डिजोल्यूशन भी कर ही लेते हैं एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है तीनों ने बोला फर्म को डिसॉल्व करो अब फर्म जब डिसॉल्व होता है तो फर्म अब अपने अपने एसेट्स को बेचेगी तो यानी अब जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा वो पॉइंट ऑफ व्यू फर्म के हिसाब से होगा क्योंकि ये अब बेच रहा है सेट्स को तो इस पर भी कैपिटल गेन लगेगा पहले तो इसने बेचा था तो ये अब यहां पे दो कंडीशन हो सकता है मान लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग पचास लाख और एफएमवी एम एफ एम बी फाइव सी आर मतलब मार्केट वैल्यू पांच करोड़ का है पार्टनर ने बोला भाई ये एसेट्स मेरे को दे दो अब पार्टनर है नेगोशिएशन होगा नहीं होगा होगा वो तो भाई उसी का फॉर्म है उसके हिसाब से चला सकता है लेकिन पार्टनर ने बोला ये एसेट्स मुझे दे दो एक्स ने बोला जेड ने बोला ये एसेट्स मुझे दे दो और इस बिल्डिंग को जो खरीदा गया था ना वो खरीदा गया था एक चार दो हजार एक में मैं एक बार इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं थोड़ा सा आसान पड़ेगा कितने खरीदा गया था सर पांच पचास लाख का पचास नहीं पांच लाख कर देते हैं। <laughs> अब फर्म के लिए आपको कैपिटल गेन निकालना है और पार्टनर ने बोला भैया चल मेरे को दे दे और पार्टनर ने फाइनली इस एसेट्स को अपने नाम पे करवा लिया और पेमेंट जो किया है वो किया है सत्तर लाख मतलब इसने फर्म को सत्तर लाख रुपए का पेमेंट दे दिया अब ध्यान रखना फर्म को जो सत्तर लाख का पेमेंट किया है चाहे तो या उसने अपने कैपिटल में एडजस्ट करा दिया हो ये भी पॉसिबल हो सकता है या फिर उसने कैश दे दिया हो ये भी पॉसिबल हो सकता है अब बारी आती है कैपिटल गेन कैलकुलेशन की सर तो कैपिटल गेन कैलकुलेशन में कंफ्यूजन है या नहीं है सबसे पहले सेल कंसिडरेशन क्या होगा सर सेल कंसिडरेशन क्या होगा सर ये सारे लॉ ना आप लोगों ने बनवाए हैं टैक्स चोरी कर करके प्रोविजन बनते गए लोग बात क्या करते थे कैपिटल गेन निकालना है एक काम कर तू मुझे एसेट दे दे मैं पच्चीस हजार में ले लेता हूं अब गवर्नमेंट पूछेगा तो बोलेगा ने बेच दिया पच्चीस का अल्टीमेटली पैसा जाना है पच्चीस का बेचा है कैपिटल लॉस हो गया बात खत्म टैक्स ही नहीं देंगे दिमाग चला सकते हैं तो वो क्या करते हैं जैसे जैसे देखो लॉ जो इतनी मोटी पहले किताब जो बनी होगी कानून की मेरे हिसाब से जब बहुत स्टार्टिंग रहा होगा क्योंकि इंडिया का जो अगर देखा जाए हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है तो पहले कानून था ही नहीं क्योंकि चोरी नहीं हुआ करती थी कोई लॉ नहीं था कोई जज नहीं था फिर धीरे धीरे लॉ बना होगा लॉ एक पन्ने का बना होगा थोड़ी बहुत किसी ने करी होगी शैतानी नहीं उसके ऊपर कानून बनाया होगा फिर दो पन्ने का बन गया तीन पन्ने का आज इतनी मोटी मोटी किताबें बन गई है सिर्फ ये आपके दिमाग का कमाल है जो आप चलाते रहते हो उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या बना दिया लॉ बना दिया सीधी सी बात है तो पहले ये सारे सेक्शन नहीं हुआ करते थे लेकिन वो सेक्शन धीरे धीरे मैं बता रहा हूं ऐसा करते थे लोग बाग जिसके वजह से ये इंट्रोड्यूस किया गया है तो सर यहां पे सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे बताइए यहां पे सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है सत्तर लाख हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है पचास लाख हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है पांच करोड़ बताइए अब बच्चे कह रहे हैं सर सत्तर लाख मान लो ये पांच हजार में ले लेता या पत, मतलब कि इस प्रॉपर्टी को ये पांच हजार में ले लेता तो कितना लेते पांच हजार ले लेते यहां पे तो टैक्स की चोरी होने की संभावना है यहां पे टैक्स की चोरी होने की क्या है संभावना ज्यादा है तो हमेशा याद रखना जहां पे टैक्स की संब... जहां टैक्स चोरी किया जाता है वहां पे गवर्नमेंट रूल स्ट्रिक्ट बनाता है मैं सीधी सी बात करता हूं नोटबंदी नोटबंदी में बोला गया कि भैया अगर आपके घर पे ब्लैक मनी मिला तो 30 परसेंट टैक्स नहीं लेंगे 120 परसेंट लेंगे पढ़ लेना ये अमेंडमेंट आया था उस टाइम पे पहले था कि भैया जिसके घर पे ब्लैक मनी मिलता है 40 से 45 परसेंट के बीच में दीजिए फ्री आप आराम से घूमिए तो लोगों ने सोचा था यार मेरे घर में पांच करोड़ रुपए है कोई बात नहीं यार नोट ही बदल गए बैंक जा रहे धक्के खा रहे पचास परसेंट तो बचेंगे ढाई सौ करोड़ कोई बात नहीं गवर्नमेंट ने दो दिन में एक अमेंडमेंट लेके आई मेजोरिटी बुलाया पार्लियामेंट के अंदर बोला भैया फटाफट इसको राष्ट्रपति से साइन कराओ बोला जो भी ब्लैक मनी मिलेगा आज के बाद से इस दिन के बाद से और रिद्रोस्पेक्टिव से भी उसको अप्लाई किया उससे हम लगभग उन्होंने कुछ सेक्शन जब हम पढ़ेंगे रिटर्न तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है थर्टी नाइन वन थर्टी नाइन उनसे हम एक सौ बीस परसेंट टैक्स वसूलेंगे तभी आपने सुना भी होगा वैसे मैंने तो देखा नहीं लेकिन सुनने को आया था कि यहां पे नोट फेंक दिए उसने उसने जला दिए तो ऐसा कुछ सुनने में है बाकी हालांकि देखा नहीं देखा होता तो रख लेते हैं ठीक है ना तो वो सुना नहीं मैंने बस सुनी सुनाई बातें हैं जो कि सुना है मैंने और आप लोगों ने भी सुना होगा तो बड़ी सीधी सी बात है तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो है ना बड़ा स्ट्रिक्ट रूल बनाता है गवर्नमेंट ने बोला भैया तू यहाँ पे टैक्स चोरी करेगा हम लेंगे यहाँ पे एफ बात खत्म यानी सेल कंसिडरेशन होगा फाइव सी की बात खत्म सर क्योंकि यहां पे आपने आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है पचास लाख कम दिखा दो बुक्स ऑफ अकाउंट पे हमारा तो टैक्स पे मारा गया पार्टनर आप आपस में सेटिंग कर लो आपस में पार्टनर से हमारा तो चले गया टैक्स इसलिए हम ऐसा कानून बनाएंगे जो कि थोड़ा सा जेनवन भी लगे और हम चोरी नहीं करने देंगे टैक्स बोला एफ भी लेंगे हम तो हालांकि कंपनी के पॉकेट पार्टनरशिप के पॉकेट में आए हैं सत्तर लाख ही लेकिन इसने कितना डिसाइड किया और यहां पे करा कॉस्ट ऑफ एक्जेशन सर और कॉस्ट ऑफ एक्जेशन के अंदर वही जूतने का खरीदा था कोई बात नहीं है पांच लाख डिवाइडेड बाई सौ टू में तीन सौ सत्रह पंद्रह लाख बाकी पे टैक्स बाकी पे टैक्स चार करोड़ चौरासी लाख और सर मैंने अभी वैसे मार्जिनल रिलीफ और सर चार्ज कराया नहीं है जब एक करोड़ पचास लाख रुपए जब इनकम कमा लेते हो ना तो आपको दस परसेंट और एक्स्ट्रा देना पड़ता है सरकार को क्योंकि आप गवर्नमेंट आपको अमीर मान लेती है उस टाइम पे तो दस परसेंट और एक्स्ट्रा जितना भी इनकम है ना उसका दस परसेंट और देना पड़ता है कि आप कंट्रीब्यूट करिए आप बहुत पैसा कमा रहे हैं और जब एक करोड़ हो जाता है तो आपको थोड़ा सा और प्रीमियम मानते हैं कि आप बहुत लग्जरी जी रहे हैं तो पंद्रह दीजिए मतलब जो टैक्स रेट है वो है पंद्रह और अलग से कॉन्ट्रीब्यूट करिए यानी टोटल अगर टैक्स का रेट देखा जाए इंडिया के अंदर तो पचास परसेंट तक चला जाता है ऑलमोस्ट यानी आप इतने मेहनत करते हो और आपका पचास परसेंट टैक्स सरकार को देना पड़ता है अगर आपने दो करोड़ रुपए कमाया तो एक करोड़ क्या करो गवर्नमेंट को दे दो गवर्नमेंट को दे दो फिर वो उसका जैसे भी यूटिलाइज करना हो वो अपने हिसाब से कर लेंगे ठीक है।, है तो यहाँ पे ये प्रोविजन था कैपिटल गेन इसके ऊपर देखा जाए तो ट्वेंटी परसेंट वो टैक्स लगेगा बाकी सरचार्ज वगैरह लगेगा मैं अभी सरचार्ज और एक्स्ट्रा इंप्लीमेशन पे बात नहीं कर रहा तो ये क्या था हमारा डिजोल्यूशन ये क्या था हमारा तो अभी तक हमने क्या देखा सबसे पहले हमने क्या देखा था सर इंश्योरेंस से आग लग गया उसके बाद देखा था स्टॉक को कन्वर्ट कर दिया फिर हमने एडमिशन भी देख लिया डिजोल्यूशन भी देख लिया फिर हमने क्या देख लिया <coughs> कि आपका कंपल्सरी एक्विजिशन जो था वो भी हमने देख लिया अब इसके अंदर कुछ एक और प्रोविजन रह जाते हैं जैसे कि आपने इक्विटी शेयर को प्रफ्रेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिया मतलब शेयर्स मतलब शेयर्स वाले कन्वर्जन वाले पार्ट रह जाएंगे जिसको भी देखेंगे उसका फेयर मार्केट वैल्यू बाकी मोटा मोटा देखा जाए तो खत्म हो जाए दिखाइए एक बार मैंने चार्ट में बना रखा है एक जगह सर यहाँ पे क्या क्या प्रोविजन है देखो पैंतालीस वन तो जर्नल है इसके बाद कहता है कैपिटल गेन इन केस ऑफ रिसीव इंश्योरेंस कंपनी डैमेजेस मिल हो गया कैपिटल गेन कन्वर्जन स्टॉक ये भी कर लिया कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ डिपॉजिटरी विच बेनिफिशियल इंटरेस्ट ठीक है डिपॉजिटरी में हमने ट्रांसफर किया भी नहीं कराया हमने कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ मेंबर कोई भी एसेट्स एओपी तो ये कर लिया जो हमारा पैंतालीस तीन है एडमिशन था मैं चार्ट बाद में दिखा दूंगा आपको मैं अभी अपना खुद पहले देख लू कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल वाई वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजोल्यूशन भी कर लिया हमने इसके बाद कंपलसरी एक्विजेशन भी कर लिया इसके बाद है सर कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन एसेट्स कम आपका कंपनीज लिक्विडेशन पार्टनरशिप का था एक कंपनी के लिक्विडेशन पे भी थोड़ा सा अलग प्रोविजन होता है वो भी हम देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसको खत्म करने के बाद हमारे तीन से चार सेक्शन छोटे छोटे से रह जाते हैं सेक्शन पचास रह जाएगा और सेक्शन पचास के बाद फिफ्टी सी रह जाएगा और एक स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन ऑफिसर होता है यहां पे भी नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसके इसमें कैसे लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा